लिए खबरों की प्लेट पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल, तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। हिमाचल गुजरात में चुनाव की तारीखों का आज हो सकता है ऐलान, 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हिमाचल में महारैली को संबोधित करेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, आज तय हो सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट। ज्ञानवापी केस में आज अहम दिन है, कार्बन डेटिंग पर आज वाराणसी की अदालत सुना सकता है फैसला। पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम हुई, पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ ने मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन। अनंतनाग में आतंकियों से लोहा लेने वाला सेना का डॉग जूम शहीद हुआ, जूम को लगी थी 2 गोलियां, आर्मी ने नॉर्दर्न कमांड ने दी उसको श्रद्धांजलि। देखिए, अकेले ही 2 आतंकियों से लोहा लेने वाला भारतीय सेना का बहादुर डॉग जूम शहीद हो गया। जूम अब भले ही इस दुनिया में ना हो, लेकिन उसकी बहादुरी की वजह से कई लोगों की जान बच सकी और सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। जूम को आतंकियों ने 2 गोलियां मारी थी, 2 दिनों तक जिंदगी की जंग वो लड़ता रहा, लेकिन जूम ने अब आखिरी सांस ली। सेना ने अपने इस जावां सिपाही को श्रद्धांजलि दी। देखिए, सेना का एक जांबाज योद्धा जिसने जान गंवाकर भी अपने फर्ज को पूरा किया। भारतीय सेना के लड़ाकू डॉग जूम ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन इस अपनी शहादत से पहले जूम ने बहादुरी की ऐसी मिसाल कायम की जिसे बरसों तक याद किया जाएगा। सेना को अनंतनाग में 10 अक्टूबर को 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। खबर मिलते ही सेना के जवानों ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। आतंकियों ने एक घर में पनाह ले रखी थी। एनकाउंटर में किसी आम नागरिक को चोट न आए, इसलिए सुरक्षा बल आतंकियों के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। ऐसे मुश्किल हालात से निपटने के लिए जूम जैसे लड़ाकू डॉग को ट्रेन किया गया था। बेल्जियन मिलिनॉय नस्ल का जूम महज 2.5 साल में ही आतंकियों से लोहा लेने के लिए तैयार हो गया था। बेहद मुश्किल ट्रेनिंग और अनुशासन ने जूम को सेना का ऐसा योद्धा बना दिया जिससे आतंकी घबराते थे। एक बार जूम अगर किसी को अपने जबड़े में दबोच ले तो उसे जमीन पर पटक कर ही दम लेता था। जूम की इस काबिलियत की वजह से उसे आतंकियों को घर से बाहर निकालने का जिम्मा सौंपा गया। जूम पहले दबे पांव उस घर में पहुंचा जहां आतंकी छिपे हुए थे, उसके बाद उसने 2 आतंकियों पर हमला बोल दिया। जूम को देखकर आतंकी घबरा गए और उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। आतंकियों की एक गोली जूम के चेहरे पर लगी और एक गोली पैर में, लेकिन इसके बावजूद जूम ने आतंकियों को छोड़ा नहीं। जूम के हमले से आतंकियों के हौसले पस्त हो गए और सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। बुरी तरह जख्मी जूम को चमोर एडवांस फील्ड वेटनरी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ 2 दिनों तक जूम मौत से जंग लड़ता रहा, लेकिन गुरुवार दोपहर 12 बजे जूम ने आखिरी सांस दी। जूम पिछले 10 महीने से सेना की उत्तरी कमांड के 51वें कोर के साथ काम कर रहा था। उसकी शहादत पर आर्मी ने भी उसे श्रद्धांजलि दी है। नॉर्दर्न कमांड ने अपने ट्वीट में जूम को देश सेवा का सच्चा हीरो बताया है। जूम अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसने बहादुरी की ऐसी मिसाल कायम की है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जूम के हौसले को गुड न्यूज टुडे का सलाम। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आर्मी के डॉग स्क्वाड ने आज अपने बहादुर साथी जूम को जांबाजी को याद किया। जम्मू में 29 आर्मी डॉग यूनिट ने जवान डॉग जूम को याद करने के लिए इकट्ठा हुए और जूम की ट्रेनिंग भी आर्मी की इसी डॉग यूनिट में हुई थी। जूम ने शुरू से ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था, आपको बता दें, इसी वजह से जूम को असॉल्ट डॉग बनाया गया। जूम एक बहुत ही बेहतरीन डॉग था। हमारे ट्रेनिंग के टाइम में असल डॉग का जब ट्रेनिंग चल रहा था, जूम एक बहुत ही
बहादुर डॉग था और इस डॉग को दिसंबर के टाइम में 2021 दिसंबर के टाइम में अपने जम्मू कश्मीर में उसको तैनात किया गया है, जो कि आरवी सेंट्रल स्कूल से लाया गया था और उसके बाद से उसका जो एडवांस ट्रेनिंग है वो इस जम्मू कश्मीर के एरिया के अंदर धीरे धीरे बढ़ता गया और वो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने लग गया। तो उसके ऊपर विश्वास हो गया अपने इंडियन आर्मी को, जो जूम हो, एक्सेल हो, ऐसे डॉगों को हम लोग ऑपरेशन लेवल में काम करा सकते हैं और अपना जो चुनौती है इन मिलिटेंटों के साथ, उग्रवादियों के साथ, उसको निस्तनापूत करने के लिए अपना जो ये असोल डॉग है, ये असोल डॉग कामयाब है और आगे भी कामयाब होता रहेगा। जूम ने सर देखिए बहुत ही अच्छा काम किया, उसने इतने सारे जवानों की जान बचाते हुए अपने परिदानों को, प्राणों का बलिदान दिया है। तो ये जो इसकी ट्रेनिंग 2010 में आर्मी सेंट्रल कॉलेज मेरठ में शुरू हुई थी, जो ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिकी सील कमांडो ने जो कायरो नाम के डॉग का ये इस्तेमाल किया था, वो एक असल्ट बेल्जियम मेनालॉजी डॉग ही था। तो उसी के आधार पर ये ट्रेनिंग शुरू हुई और इसका हमारे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। देखिए, पंजाब में पाकिस्तान के एक और साजिश को नाकाम कर दिया गया है। भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे सीमा पार से आए ड्रोन को गुरदासपुर बीएसएफ ने फायरिंग कर मार गिराया। मौके पर आला अधिकारी पहुंचे, फिलहाल वहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। करीब एक हफ्ते पहले ही पंजाब पुलिस ने सीमा पर ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी के मॉड्यूल का खुलासा किया था। आज की घटना उसी साजिश की एक कड़ी हो सकती है। सीमा पार से रची गई आसमानी आतंकी साजिश का ये वही खामोश सबूत है जिसे हिंदुस्तान की सुरक्षा में मुस्तैद जाबाजों ने हवा में ही निस्त नाबूद कर दिया। भारतीय सीमा में पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई। पंजाब के गुरदासपुर इंडो पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। घटना की सूचना लगभग शुक्रवार सुबह 4:30 बजे मिली। बताया जा रहा है कि सीमा पार से ड्रोन देर रात भारतीय सीमा में घुसने की नापाक कोशिश कर रहा था। ड्रोन की आवाज सुनकर बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग की। गोली लगने के बाद ड्रोन भारत की सरहद में गिर गया, जिसके बाद बीएसएफ ने ड्रोन को कब्जे में ले लिया और आसपास के इलाके में सर्च अभियान शुरू कर दिया। सीमा पार से रची जा रही आतंकी साजिश का ये सबूत नया नहीं है। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश आम होती जा रही है। ड्रग्स और हथियारों का जखीरा भारत में भेजने का नया जरिया बना है ड्रोन। पिछले हफ्ते पंजाब पुलिस ने सीमा पर ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी के मॉड्यूल का खुलासा किया था। 5 अक्टूबर को पंजाब पुलिस ने खतरनाक हथियारों की खेप के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनसे पूछताछ में पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया। पूछताछ में पता चला कि पाकिस्तान में मौजूद स्मगलर आसिफ इन लोगों को लगातार हथियार और ड्रग्स भेज रहा था। पंजाब पुलिस ने इस मॉड्यूल से 1 MP4 राइफल, 14 पिस्टल, 10 मैगजीन, 700 से ज्यादा गोला बारूद बरामद किया है। हथियारों के साथ पकड़े गए आरोपियों के पास से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद और 500 ग्राम हेरोइन भी बरामद की गई। पाकिस्तान की ये साजिश जम्मू कश्मीर और पंजाब में ही नहीं, गुजरात में भी जारी है। हाल ही में गुजरात ATS ने पाकिस्तान से भेजी गई जहरीली खेप को बरामद किया था। ये वही पाकिस्तानी बोट अल सकर है, जिसके जरिए पाकिस्तान की ओर से 50 किलो ड्रग्स भेजा गया। इसकी कीमत 300 करोड़ बताई गई। समंदर के रास्ते पाकिस्तान से आई ड्रग्स की ये खेप जैसे ही हिंदुस्तान की सीमा में समंदर में पहुंची, ATS और तटरक्षक बल ने ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए बोट को जब्त कर लिया। सभी 6 पाकिस्तानी भी गिरफ्तार कर लिए गए। सर्दियों के शुरुआत के साथ ही पहाड़ों पर बर्फ गिरने लगी है, जिसकी आड़ में पाकिस्तान एक बार फिर घुसपैठ की पूरी कोशिश में जुट गया है। हमारे जाबाजों की मुस्तैदी से जमीन से घुसपैठ मुमकिन नहीं हो पा रही थी, तो पाकिस्तान ने आसमानी साजिश रचनी शुरू कर दी। लेकिन पाकिस्तान की ये हवाई साजिश भी जमीनी साजिश की तरह नाकाम होगी। पंजाब से मंजीत सहगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी क्रम में देखिए, देश के समुद्री सुरक्षा में मुस्तैद भारतीय नौसेना ने ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज को अंजाम दिया। 11 और 12 अक्टूबर को भारतीय नौसेना के पूर्वी नौसेना कमान ने
कृष्णा गोदावरी बेसिन में ये एक्सरसाइज को अंजाम दिया और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। आतंकवादी घुसपैठ, बम विस्फोट, आग उत्खनन, खोज और बचाव जैसे अभ्यास को अंजाम दिया गया। इस नौसैनिक अभ्यास को प्रस्थान नाम दिया गया। हर 6 महीने पर यह अभ्यास किया जाता है। इस एक्सरसाइज का मुख्य मकसद ऑफशोर सिक्योरिटी यानी अपतटीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है। अपतटीय विकास क्षेत्र में आपात हालत में समग्र सुरक्षा तैयारियों का आकलन करना है। तो देखिए, समुद्र तट जो होता है, समुद्र का किनारा होता है, उसमें किसी भी प्रकार से, क्योंकि कोई भी देखिए बॉर्डर जब लगता है तो किसी भी देश की सीमा से, तो समुद्र बीच में होता है। ऐसे में इस प्रकार के अभ्यास होना निरंतर जरूरी होता है। देश की सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी एक्सरसाइज होती है। अपतटीय सुरक्षा के लिहाज से हर 6 महीने में इस प्रकार का अभ्यास किया जाता है। इस बार जो अभ्यास हुआ उसका नाम दिया गया प्रस्थान, जिसके तहत तमाम पहलुओं के जरिए बारीक नजरिए से सुरक्षा का जायजा लिया गया। कहीं भी कोई ढिलाई ना हो, कोई कोताही ना बरती जाए। कहते हैं कि इंसान की अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो, कुछ पाने की असीम चाहत हो, उस चाहत को पूरी करने के लिए वो तन मन धन से खुद को समर्पित कर दे तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। भागलपुर के कमल किशोर मंडल ने इसे साबित करके दिखाया है। बड़ी बात देखने वाली ये है कि जिस कॉलेज में कमल किशोर चौधरी चौथी श्रेणी के कर्मचारी थे, उसी कॉलेज में अब वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात है। यह है 42 साल के कमल किशोर मंडल, जिन्होंने अपनी कर्म शक्ति से आज अपनी एक अलग पहचान बनाई है, वो भी उस कॉलेज में जहां 17 सालों तक वो रात के पहरेदार रहे। कमल किशोर ने 17 साल तक तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के इसी पीजी अम्बेडकर विचार विभाग में नाइट ड्यूटी की और अब इसी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं। अनुभूति तो ऐसा हो रहा है सर कि हम इसको बयान नहीं कर सकते, शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते, क्योंकि समझ सकते हैं जहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है सर। नॉन टीचिंग से टीचिंग जाने का कोई प्रावधान नहीं है, आप नॉन टीचिंग में ही रह जाएंगे, एक बार चले गए तो चले जाएंगे। लेकिन हम अपने आप को वहाँ तक ले गए, ये तो बहुत हार्दिक खुशी हो रही है और बयान करने का शब्द ही नहीं मिल रहा मेरे पास। कमल का पैतृक घर भागलपुर में है, वहाँ उनके पिता की चाय की दुकान है। पिता भी खुश हैं कि बेटा कॉलेज में शिक्षक बन गया है। जाहिर है सिक्योरिटी गार्ड से असिस्टेंट प्रोफेसर की यात्रा आसान नहीं रही होगी। कमल की ये यात्रा दिलचस्प है, प्रेरणा और संघर्ष से भरी है। घर की माली हालत ठीक नहीं होने की वजह से 2003 में कमल ने मुंगेर के कॉलेज में चपरासी की नौकरी शुरू की। इसी साल उन्होंने ग्रेजुएशन भी पूरी की। फिर क्या था, नौकरी के साथ किताबों का साथ निभाते चले गए। इसके बाद उनका ट्रांसफर भागलपुर के पीजी अम्बेडकर विचार विभाग में हो गया, जहां उन्हें नाइट गार्ड का काम करना था। कॉलेज में बच्चों को पढ़ता देख उनके मन में आगे पढ़ने की इच्छा हुई। 2007 में उन्होंने विभाग से इजाजत लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन किया और फिर रात में काम करते हुए ही 2017 में यहां से पीएचडी भी कर ली। अब कमल किशोर इसी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर बने तो पुराने साथियों की भी खुशी का ठिकाना नहीं। बहुत खुशी की बात है, जो मेरे विभाग में एक मेरा साथ में काम करने वाले जो प्रोफेसर बने, अच्छी बात है, खुशी की बात है। डॉक्टर कमल किशोर मंडल आज किसी परिचय के मोहताज नहीं। कमल किशोर आज उन तमाम लोगों के लिए मिसाल है जो बताती है कि सपना पूरा करने के लिए पैसा या सुविधाएं नहीं, बल्कि सिर्फ जुनून चाहिए। भागलपुर से राजीव सिद्धार्थ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ एक शानदार खबर आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक बार फिर से दो लोगों की किस्मत जो है चमक गई। छतरपुर के दो लोगों को यहां बेशकीमती हीरा मिल गया। लाखों की कीमत वाले इन हीरों को फिलहाल हीरा कार्यालय में जमा करा दिया गया है। इनकी जो कीमत है वो लाखों में है। देखिए,
किसी की किस्मत कभी भी चमक सकती है, और जब चमक हीरे की हो तो फिर कहना ही क्या, किस्मत तो बदलेगी ही। हीरो की नगरी पन्ना एक बार फिर दो लोगों पर मेहरबान हो गई। एक को घूमने के दौरान 4.86 कैरेट का जेम्स क्वालिटी का चमकता बेशकीमती हीरा मिला, तो दूसरे को खदान में 3.40 कैरेट का मटमैली रंग का हीरा मिला। जेम्स क्वालिटी का हीरा छतरपुर के वृंदावन रैकवार को बाईपास रोड में कमलाबाई तालाब के किनारे मिला। मटमैली रंग का जो हीरा दिख रहा है ये भी छतरपुर के ही एक व्यक्ति को मिला। दस्सू कुंदर नाम के ये शख्स पिछले काफी समय से हीरापुर टपरियन में खदान में लगे हुए थे, और अब जाकर उन्हें वहां 3.40 कैरेट का ये हीरा मिला। इस हीरे की कीमत भी 8 से 10 लाख रुपए आंकी जा रही है। दस्सू कुंदर ने भी हीरे को हीरा कार्यालय में जमा करा दिया। हीरा कार्यालय में तो हीरे प्राप्त हुए हैं, जो कि यह कि हीरापुर टपरियन से प्राप्त हुआ है, जिसका वजन 3 कैरेट 40 सेंट है। ये मेला किस्म का हीरा है, और दूसरा हीरा 3 4 कैरेट 86 सेंट है। तो जमा कर लिया गया है कार्यालय में, और नीलामी में इसको रखा जाएगा, विक्रय किया जाएगा। नीलामी से मिली रकम में शासन की रॉयल्टी के बाद बाकी रकम हीरा पाने वाले को मिलेगी। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि हीरा पाने वाले दोनों लोग झटके में मालामाल हो गए। पन्ना से दिलीप शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छठ पूजा को लेकर आज बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि इस साल दिल्ली में 1100 जगहों पर सार्वजनिक तौर पर छठ पूजा की जाएगी। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने साथ ही ये भी बताया है कि सरकार छठ पूजा के लिए 25 करोड़ रुपए खर्च करेगी। केजरीवाल ने कहा कि 2 साल से कोरोना के चलते देखिए सार्वजनिक तौर पर छठ पूजा करने पर तो रोक लगी थी, बैन था, लेकिन इस बार सरकार ने धूमधाम से छठ पूजा करने का फैसला कर लिया है। छठ पूजा में लोगों के लिए पावर बैकअप और पीने के पानी का बाकायदा इंतजाम होगा। उन्होंने कहा कि 30 से 31 अक्टूबर को छठ का त्यौहार है, हम सब मिलकर छठी मैया से आशीर्वाद मांगेंगे और सूर्य भगवान की पूजा करेंगे। साथ ही केजरीवाल ने यह भी कहा कि कोरोना पूरी तरह से अभी गया नहीं है, इसीलिए बाकायदा आपको कोरोना की गाइडलाइंस का पालन वैसे ही करते रहना है जैसे आप पहले कर रहे थे। आज बेंगलुरु जो है हवा के उस बाहुबली को देखने वाला है जिसके बारे में अभी तक उसने केवल सुना ही था। आज दुनिया का सबसे बड़ा यात्री विमान एयरबस A380 बेंगलुरु में लैंड करेगा। सुबह ये विमान दोपहर 3:40 पर बेंगलुरु के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेगा। यात्रियों के लिए भी इस विशाल काय विमान में सफर करना किसी रोमांच से कम नहीं। बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े यात्री विमान का पहली बार वेलकम करने के लिए तैयार है। दोपहर 3:40 पर वो ऐतिहासिक पल होगा जब इस एयरपोर्ट पर विशाल विमान एयरबस A380 उतरेगा। अमीरात EK562 की ये फ्लाइट दुबई से उड़ान भरकर बेंगलुरु पहुंचेगी। इसके बाद रिटर्न ट्रिप के लिए ये विमान कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली बार उड़ान भरेगा। सरकार से A380 विमान के संचालन की इजाजत मिलने के बाद 30 मई 2014 को पहली बार दुनिया के सबसे बड़े विमान की भारत में लैंडिंग हुई थी। तब ये विमान दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर उतरा था। अब बेंगलुरु में पहली बार ये विमान लैंड करने जा रहा है, और ये मौका इसलिए खास है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा यात्री विमान यहां उतरने जा रहा है। 70 कारों की पार्किंग के एरिया के बराबर का आकार वाले इस विमान की खासियत के बारे में भी जान लीजिए। ये डबल डेकर है जिसके इकोनॉमी क्लास में 853 यात्री सफर कर सकते हैं। 560 टन वजनी इस विमान की लंबाई 72.7 मीटर और ऊंचाई 24 मीटर है। कैबिन 6.5 मीटर चौड़ा और 50 मीटर लंबा है। इसकी विंग्स 80 मीटर लंबी है। एयरबस A380 में 4 रोल्स रॉयस ट्रेंट के 900 टर्बोफैन के इंजन लगे हैं। इसके चक्कों का डिजाइन ही ऐसा होता है जिससे विमान को रोकने के लिए जरूरी बल मिल जाता है, इसलिए इसके सबसे बाहरी इंजन में थ्रस्ट रिवर्सल नहीं होता।
कॉकपिट में कई तरह के कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हैं। रडार से लेकर एयर कंडीशनिंग और फ्लाइट कंट्रोल तक पूरे कंप्यूटर इंजीनियर नजर रखते हैं। इस विमान में हर तरह की सुविधा और मनोरंजन मौजूद है। विमान के चलते तल पर स्टाफ के लिए बिस्तर तक है, जहां लंबी यात्रा के दौरान वो आराम कर सकते हैं। एयरबस A380 के साइज और भारतीय विमान कंपनियों को होने वाले नुकसान को लेकर पहले इसे भारत में ऑपरेशन की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन 2014 में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु में इसकी लैंडिंग और टेक ऑफ की इजाजत दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दुनिया इस वक्त मंदी की आहट से घबराई हुई है, लेकिन भारत में बार 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की जा रही है। भारत इस वक्त उम्मीद बनकर दुनिया के सामने खड़ा हो गया है। ये बात हम नहीं बोल रहे, बल्कि आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट ये बोल रहे हैं। क्या है भारत से आईएमएफ की पूरी उम्मीद की वजह, चलिए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। दुनिया भर में मंदी की दस्तक के बीच भारत अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर दमदार होकर उभरा है। भारत सरकार ने तमाम चुनौतियों के बावजूद 2030 से पहले अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा था। अब खुशखबरी यह है कि विश्व के जाने माने अर्थशास्त्री भारत में भरोसा जता रहे हैं और यहां की अर्थव्यवस्था के इस लक्ष्य का दोगुना हासिल करने की उम्मीद जताने लगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर ने भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ के पुल बांधे। उन्होंने कहा कि भारत $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। उन्होंने कहा कि $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता सभी देशों में नहीं होती। कुछ देशों के लिए तो ये लक्ष्य हासिल करना बेहद मुश्किल है, लेकिन भारत इस लक्ष्य को हासिल करने की क्षमता रखता है। लेकिन इसके लिए भारत को संरचनात्मक सुधार करने की जरूरत है। भारत में 6.8 या 6.1% की दर से विकास बड़ी बात है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर की ये रफ्तार एक बेहतरीन संकेत है। किसी भी देश का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि कई देशों ने $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का रास्ता तेजी से पार किया है। भारत $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कैसे बने, इसके लिए भी पियरे ओलिवियर ने एक फॉर्मूला सुझाया है। उनकी माने तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने मानव संसाधन में भी निवेश बढ़ाने की सलाह दी। उन्होंने सड़कों और बुनियादी ढांचे में निवेश को सही बताया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के विकास दर का अनुमान 60 बेसिस पॉइंट्स तक घटा दिया था। इसके बावजूद आईएमएफ ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी करार दिया। इस सिलसिले में आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा, भारत तमाम समस्याओं और निराशाओं के बीच एक चमकदार जगह कहलाने का हकदार है, क्योंकि इस कठिन समय में भी वो एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था साबित हो रहा है। भारत इस वक्त अंधेरे में रोशनी की किरण के रूप में उभरा है। इस कठिन समय में भी भारत ने ढांचागत सुधारों के जरिए अपने विकास को बरकरार रखा है, जो सराहनीय है। अभी भारत की अर्थव्यवस्था का आकार करीब $3.5 ट्रिलियन है। यही चीन की अर्थव्यवस्था करीब $12 ट्रिलियन की है। चीन में प्रति व्यक्ति सालाना आय करीब $11,000 है, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति सालाना आय करीब $2,200 है। आर्थिक सुधारों के 31 साल में अब तक भारतीयों की आय महज 5 गुना बढ़ी है, जबकि इस अवधि में चीन में प्रति व्यक्ति आय 24 गुना तक बढ़ गई है। ऐसे में अगर भारत $10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बन जाता है तो लोगों की आमदनी बढ़ेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होने की उम्मीद है। इसके लिए GDP को 5 साल तक लगातार 9% की दर से बढ़ाना होगा, जो आसान नहीं है तो बहुत मुश्किल भी नहीं। आदित्य के राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी के साथ पहुंच गए हैं लंच टाइम के अंतिम पड़ाव पर, जहां पर आपको दिखाएंगे किसी महान शख्सियत की कही बातें। वक्त है आज के विचार का। नेल्सन मंडेला ने कहा है कि जीवन की शोभा इस बात में नहीं है कि आप कभी हारे ही नहीं, बल्कि इस बात में है कि आप हर बार हार के बाद दोबारा उठ के खड़े हो गए। और चलिए उम्मीद यही करते हैं कि खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिल गई होंगी। बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।